झुंझुनू से जहां अवैध खनन की लड़ाई में एक महिला की जान चली गई। जान लेने का आरोप भी किसी और पर नहीं बल्कि महिला के बेटे पर ही लगा है जो अवैध बजरी खनन करता है, जिसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या की और हमले में पिता और भाई भी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर वाटी खेतड़ी सीमा से लगे कांकरिया गांव में बड़े स्तर पर अवैध बजरी का खनन होता है। गांव के मुखाराम का बेटा रतनलाल भी अवैध बजरी खनन करता है, जिसका जमीन को लेकर अपने भाई शंकरलाल के साथ विवाद चल रहा था। इसकी शिकायत पर रतनलाल के पिता मुखाराम ने बबाई चौकी में शिकायत दी, जिसके बाद एक बारगी के लिए खनन बंद हुआ। लेकिन मुखाराम तथा उसकी पत्नी सोनी देवी बाइक से जब जा रहे थे, इसी दौरान बेटे रतनलाल ने साथियों के साथ गाड़ी से इस बाइक को टक्कर मार दी और मां को गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं मुखाराम को जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल खेतड़ी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं ग्रामीण महिला के शव को लेकर गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अवैध खनन को रोकने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ उदयपुर वाटी से मेरे सहयोगी सुजीत शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, ये जो वाकया सामने आया है कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाला, साथ ही में प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल या निशान खड़े करता है कि जब अवैध बजरी खनन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, ऐसे में एक व्यक्ति ने अपनी ही मां की इतनी बर्बरता से हत्या कर दी। फिलहाल क्या ये पूरा प्रकरण सुजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बजरी खनन को लेकर महिला की हत्या हुई। और आपको बता दूं कि बेटा ये जो अवैध खनन करता था, उसकी जो विरोध किया मां ने, तो उसकी मां की हत्या कर दी। और आपको बता दूं कि इसी के अंदर पिता और पुत्र है वो घायल भी हो गए। और आपको बता दूं कि जब ये महिला जिसकी मौत हुई है, वो और उसका पति दोनों बाइक से जा रहे थे, तो पीछे से जो बेटा है उसने गाड़ी से टक्कर मार दी और माँ को गाड़ी से कुचल दिया। और आपको बता दूं कि वो तब से लेकर फरार चल रहा है। और इसी मांग को लेकर ग्रामीण है वो महिला के शव को लेकर गांव के लोग इकट्ठा है, और उनका कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो बजरी खनन है उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। आपको बता दूं कि 10-15 दिन पहले भी बबाई चौकी के अंदर अवैध खनन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ समय के लिए अवैध खनन रोका गया था, लेकिन फिर से चालू हो गया। लेकिन अवैध खनन है वो ये रिश्ते को शर्मसार भी कर रहा है, जिसमें बेटे ने माँ की हत्या कर दी और वो भी गाड़ी से कूद चलकर। अपन बात करें, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये सवाल निशाने खड़े होते हैं कि जो अवैध खनन जो भारी मात्रा में हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। अपन कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस और साथ ही साथ स्थानीय विधायक और नेताओं की भी मिलीभगति इसमें सामने आ रही है। जी जी, चलिए सुजीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।